लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए पावर प्लांट गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल पावर प्लांट गुरुजी में। आज हम लोग जानेंगे एक स्टीम टर्बाइन का स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन क्या होता है और उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, और उसके साथ साथ जानेंगे एक स्टीम टर्बाइन का स्पेसिफिक स्टीम का जो रिलेशन वैक्यूम के साथ कैसा है। तो ये सारे चीज़ जानने के लिए वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखते रहिए। चलिए पहले जानते हैं डेफिनेशन स्पेसिफिक स्टीम का। तो टर्बाइन में 1 kWh पावर जनरेशन करने के लिए जितना अमाउंट का स्टीम चाहिए उस स्टीम को स्पेसिफिक स्टीम कहा जाता है। या एक यूनिट का पावर आउटपुट के लिए एक स्टीम टर्बाइन जितना अमाउंट का स्टीम कंज्यूम करेगा उस स्टीम को स्पेसिफिक स्टीम कहा जाता है। चलिए पहले जान लेते हैं स्पेसिफिक स्टीम का फॉर्मूला क्या है। ना स्पेसिफिक स्टीम का फॉर्मूला है स्टीम फ्लो डिवाइडेड बाय पावर जनरेशन। स्टीम फ्लो यानी कि टर्बाइन का इनलेट में जितना स्टीम दिया जाता है, पावर जनरेशन यानी कि टर्बो जनरेटर में जितना पावर जनरेशन हो रहा है। स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन का एक तो दूसरा नाम भी है, उसको इसेंट्रोपिक इफिशियंसी ऑफ टर्बाइन भी कहा जाता है। तो स्टीम टर्बाइन का लोड और स्पेसिफिक स्टीम का जो रिलेशन है उसको विलियम्स लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए जान लेते हैं स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन का यूनिट क्या है। ना एक तो स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन का यूनिट है केजी पर किलोवाट आवर और केजी पर किलो जूल। अभी हम लोगों एक तो एग्जांपल लेके देखेंगे कैसे स्पेसिफिक स्टीम को कैलकुलेशन किया जाता है। मान लीजिए एक तो स्टीम टर्बाइन में 400 टन स्टीम प्रोवाइड किया जाता है उसका आउटपुट में 100 मेगावाट पावर जनरेशन के लिए। अभी हम लोगों उसका स्पेसिफिक स्टीम कैलकुलेशन करेंगे। स्पेसिफिक स्टीम इज इक्वल टू 400 टन डिवाइडेड बाय 100 मेगावाट। तो इसका स्पेसिफिक स्टीम वैल्यू आएगा 4 केजी पर किलोवाट आवर। यानी कि एक तो 100 मेगावाट स्टीम टर्बाइन रिक्वायर्ड करता है 4 केजी स्टीम उसका आउटपुट में 1 किलोवाट आवर पावर जनरेशन करने के लिए। चलिए अभी देखेंगे स्पेसिफिक स्टीम और कंडेंसर का अंदर जो वैक्यूम है उसका अंदर में क्या रिलेशन है। अगर एक तो स्टीम टर्बाइन का कंडेंसर में वैक्यूम लो होगा तो उसके वजह से उसका स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन जो है वो बढ़ जाएगा। इसका कारण यह है कि स्टीम का जो एक्सपेंशन है वो प्रॉपरली हो नहीं पाता है, जिसके वजह से स्टीम का जो एनर्जी वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो नहीं पाता है, जिसके वजह से सेम वर्क करने के लिए टर्बाइन और ज़्यादा स्टीम रिक्वायर्ड करता है। ठीक इसी तरह अगर एक तो स्टीम टर्बाइन का कंडेंसर में वैक्यूम अगर डिजाइन वैल्यू से अगर हाई होगा तो क्या होगा, ना जो स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हाई वैक्यूम के कारण स्टीम फ्लो होने के लिए इजी पाथ मिल जाएगा, जिसके वजह से जो एग्जॉस्ट स्टीम है उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, तो वो बिना काम करते हुए इजीली फ्लो हो जाएगा कंडेंसर को, जिसके वजह से टर्बाइन का सेम आउटपुट के लिए ज़्यादा स्टीम रिक्वायर्ड करेगा। टर्बाइन का लास्ट स्टेज में वेटनेस बढ़ेगा ड्यू टू लो प्रेशर के कारण। स्टीम का वेलोसिटी बढ़ने के वजह से एक तो स्टीम टर्बाइन का वाइब्रेशन होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में जरूर आपको कुछ नया चीज़ सीखने के लिए मिला होगा। अगर अगला वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नया आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए। तो रहता हूं दोस्तों, थैंक यू।